भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खत्म हो चुका है। टीम इंडिया ने 188 रनों से जीत हासिल करने के साथ 1-0 से बढ़त बना ली है। चट्टोग्राम टेस्ट में भारतीय टीम की कमान केएल राहुल ने संभाली। दरअसल टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा चोट के कारण मुंबई वापस लौट आए, जिसके बाद उप कप्तान केएल राहुल ने कप्तान की जिम्मेदारी संभाली। कप्तान के तौर पर केएल राहुल का ये 10वां मुकाबला रहा और इस मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन आपको बता दें कि केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखें तो उनके बल्लेबाजी के रिकॉर्ड्स काफ़ी ख़राब रहे हैं। इस मुकाबले में यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबले में उन्होंने पहली पारी में 22 रन, दूसरी पारी में केवल 23 रन बनाए। लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान के तौर पर उनकी टीम और उनके खिलाड़ी लगातार रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और उनकी कप्तानी में अब तक 9 बड़े रिकॉर्ड्स बन चुके हैं, जिसमें विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कप्तान के तौर पर केएल राहुल ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कप्तानी संभाली। पहली बार वे भारत की कप्तानी कर रहे थे। 3 जनवरी 2022 को खेले गए इस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने कमाल किया और भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने इस मुकाबले में 61 रन देकर 7 विकेट चटकाए। पहली पारी में शार्दुल ठाकुर ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से चित कर दिया और शार्दुल ठाकुर ने टेस्ट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज की साउथ अफ्रीका के खिलाफ की है बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा आपको बता दें कि शुभमन गिल ने भी राहुल की कप्तानी में अपना पहला ओडीआई शतक जड़ा। शुभमन गिल की बात करें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज जब खेली जा रही है तब केएल राहुल टीम के कप्तान थे और शुभमन गिल ने इसी सीरीज पर अपना वनडे का पहला शतक जड़ा। उनके इंटरनेशनल करियर का यह पहला शतक रहा और उन्होंने 97 गेंदों में 130 रन की पारी खेली। आपको बता दें कि केएल राहुल इस बल्लेबाजी में 30 रन ही बना सके थे। इसके अलावा विराट कोहली ने भी केएल राहुल की कप्तानी में अपना 71वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ा। केएल राहुल की कप्तानी में ही विराट कोहली ने 1021 दिन बाद अपने इंटरनेशनल शतक के सूखे को खत्म किया और 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी 71वीं सेंचुरी को पूरा किया। विराट ने 61 गेंदों में 122 रन की पारी खेली। एशिया कप का यह मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ था। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ 4 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जो कि उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बेस्ट स्पेल था, जो कि केएल राहुल की कप्तानी में ही हुआ। इसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान 10 दिसंबर 2022 यानी कि कुछ ही दिन पहले ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा, जो कि केएल राहुल की कप्तानी में ही हुआ और टीम इंडिया 2-0 से यह सीरीज हार चुकी थी। लेकिन इसके बाद केएल राहुल की कप्तानी में ईशान किशन ने इतिहास रचते हुए भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाई। विराट कोहली ने इस मुकाबले में ही अपनी 44वीं वनडे सेंचुरी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 72वां शतक जड़ा। आपको बता दें कि विराट कोहली ने 1214 दिन के बाद अपने वनडे करियर का शतक जड़ा। उन्होंने अपना आखिरी शतक 2019 में जड़ा था। इसके बाद केएल राहुल की कप्तानी में ही उन्होंने अपने वनडे के शतक का सूखा खत्म किया। भारत बांग्लादेश के बीच चट्टोग्राम टेस्ट के मुकाबले के दौरान केएल राहुल की कप्तानी में ही गेंदबाज कुलदीप यादव ने भारत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टेस्ट क्रिकेट के उनके करियर के हिसाब से उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा और उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट चटकाए और बल्ले से भी 40 रन का योगदान दिया। शुभमन गिल ने इसी टेस्ट मुकाबले में दूसरी पारी में अपने टेस्ट की पहली सेंचुरी जड़ी और केएल राहुल की कप्तानी में ही उन्होंने अपना वनडे और टेस्ट का शतक जड़ा है। आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा ने भी केएल राहुल की कप्तानी में ही इस टेस्ट मुकाबले में यानी कि भारत बांग्लादेश के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबले में ही अपनी 19वीं टेस्ट सेंचुरी जड़ी और वह लंबे समय से अपने टेस्ट सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे, जो केएल राहुल की कप्तानी में ही खत्म हुआ। केएल राहुल की कप्तानी का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 2 टेस्ट मुकाबलों में कप्तानी की है, जिसमें 1 में जीत 1 में हार मिली है। वनडे की बात करें तो 7 मुकाबलों में कप्तानी कर चुके हैं, जहां 4 में जीत और 3 में हार मिली है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें एक बार भारत की कप्तानी करने का मौका मिला है, जहां उन्होंने वो मुकाबला जीत करके अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। बहरहाल अगर कप्तानी में केएल राहुल का प्रदर्शन देखें तो उन्होंने 10 मुकाबलों में 280 रन बनाए हैं और उन्होंने केवल 3 ही अर्धशतक लगाए हैं। इसके अलावा साल 2014 से 2021 तक के प्रदर्शन को देखें तो उनके नाम 135 मुकाबलों में 5807 रन हैं। 2022 में केएल राहुल का प्रदर्शन देखें तो 29 मुकाबलों में 810 रन ही बना सके हैं और उनके बल्ले से शतक नहीं आया है। बहरहाल इस दौरान उन्होंने 9 अर्धशतक जरूर लगाए हैं। जो कुछ आपकी राय है केएल राहुल की कप्तानी को लेकर, उनकी कप्तानी में बने इन रिकॉर्ड्स को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहे वन इंडिया। नमस्कार।